प्रणाम सभी को। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक घटना बताऊंगा। ध्यान से सुनना आप लोग, आपको ये ऐसी घटनाएं बहुत ही गहरा सोचने पर आदमी को मजबूर करती हैं। ये कुछ वैसी घटनाएं होती हैं जो आदमी के जिंदगी में एक वैराग्य का काम करती हैं, जहाँ से एक वैराग्य का उदय होता है, राइज ऑफ वैराग्य बोलते हैं जिसको, जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया था, लक्ष्मण देव को माधव दास बना दिया था और मूलचंद को स्वामी दयानंद सरस्वती बना दिया था। तो एक दिन की बात है, हम गौ माता के लिए गांव में रोटी मांगने के लिए गए हुए थे। हमारे पास एक रिक्शा था, तो हम पूरे दिन से भ्रमण कर रहे थे। तो दोपहर हो गई तो मेरे साथ एक और ब्रह्मचारी जी थे। तो काफ़ी दोपहर हो गई थी अब, तो हमने सोचा चलो अब थोड़ा कहीं पे विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी धूप चली जाएगी। तो हम एक मंदिर में ठहरे और उस मंदिर में हम थोड़ा सा टहल रहे थे। तो उस मंदिर के आगे ही शमशान घाट था, जहाँ पर जाकर हमारा अंतिम सफर होता है। तो उसके पास एक पेड़ लगा हुआ था, उसके नीचे बैठने की जगह थी। तो हम उस छाया में बैठे, उसके कुछ पार ही, कुछ दूरी पर ही शमशान घाट था। तो मेरी नज़र वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने देखा कि एक आदमी की राख पड़ी हुई है। शायद उसको एक दिन पहले ही जलाया गया होगा, एक दो दिन पहले, क्योंकि जो उसकी राख थी अभी तक उसको किसने स्पर्श नहीं किया था, वो वैसे की वैसी पड़ी थी। उसने वो आदमी का जो शरीर का साइज हो, तो वो वैसे का वैसा नजर आ रहा था कि देखो इस तरफ उसका सिर रखा गया होगा, इस तरफ उसके पैर होंगे, तो वो वैसा ही नजर आ रहा था। तो मेरे मन में गजब के विचार आए कि ये आदमी आज राख बना पड़ा है। सोचने की बात है ना कि उस इंसान पर भी, वो उसका भी कभी जन्म हुआ होगा, वो भी कभी छोटा सा होगा, उस पर भी कभी जवानी आई होगी, वो भी घर से महंगे महंगे सेंट लगाकर, बालों में जल लगाकर, महंगे महंगे कपड़े, जीन्स ये सब पहनकर, महंगे जूते ये सब पहनकर निकलता है। और आदमी जब तक जिंदा होता है ना, वो इन चीज़ों में फंसा रहता है। चलो ठीक है एक स्तर पर ये सब, तो बड़े ही मेरे मन में विचार आ रही थी कि देखो कितनी गजब की ये सृष्टि है ना, क्या कुछ इसमें हो जाता है और हम कभी विचार ही नहीं कर पाते, हम फालतू चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों पर विचार कर रहा था कि कभी ये भी बड़े बड़े सपने देखता होगा, आज देखो एक राख बन कर रह गया, बस यही औकात है इंसान की। जब तक हम जीते हैं ठीक है, मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं कहता। आदमी हमेशा यही क्वेश्चन करता है कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं, मैं किस नौकरी पर लगूं, मैं किस लड़की से शादी करूं, ये करूं, दोस्त यार ये फ़ोन वो व्हाट्सएप ये सब, इन चीज़ों में फंसा रहता है। ठीक है चलो एक स्तर पर सही है, मैं इसको बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कहता, वो भी एक ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन कभी इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि आखिर साथ में क्या जाने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जो सिकंदर था, जब वो मरने वाला था, तो उसने अपने साथियों से कहा था कि दोस्तों जब मैं मर जाऊं और जब मेरी अर्थी उठा के ली जाए, तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि चाहे मैंने इतना संसार जीत लिया था,
लेकिन गया तो मैं भी हाँ खाली हाथ ही हूं। तो भाई और बहनों, तो ऐसे कौन से कमाई है जो हम करने आए हैं? इन चीजों पर विचार करना चाहिए। अच्छी बात है कि आप उन चीजों पर विचार करते हो, कैरियर के बारे में, अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में, आने वाले जिंदगी के बारे में, लेकिन कभी इन चीजों पर भी विचार कर लिया करो। एक दिन आएगा जब हम राख बन कर रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वजन हैं, उनका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप उनको सुनना। ऐसे वजन सुनने से ना मन में एक क्वेश्चन उठते हैं कि आखिर कहाँ से आया, जाना कहाँ। तो उम्मीद है मेरी बातें आप के पास, आपके मन तक पहुंची होगी। तो बताना कि आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो, अपने विचार की कैसी लगी आपको ये बातें। तो मिलते हैं जल्दी।